हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मल फोल्ट का होगा तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फोल्ट का तो उसमें हम थ्री टाइप देखने वाले थे नॉर्मल फोल्ट स्ट्राइक स्लिप फोल्ड और रिवर्स फोल्ड तो पहले हम देखेंगे नॉर्मल फोल्ड और तीनों फ़ोल्ड के टाइप्स पर अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोज़ हम बनाएंगे जो फर्स्ट है वो है नॉर्मल फोल्ड पर ओके सो so, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे लेकिन एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ओके सो नॉर्मल फोल्ड इन दिस फोल्ड हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन रिलेटिव टू दि फुट वॉल जो हैंगिंग वॉल होता है राइट right साइड पे वो नीचे की तरफ जाता है राइट हैंगिंग वॉल क्या होता है फुट वॉल क्या होती है ये बेसिक टर्म्स मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है ठीक है the sense ऑफ movements ऑफ फोल्ट ब्लॉक इज ओवरऑल horizontal extension विच perpendicular टू दी फोल्ड स्ट्राइक अभी जो सेंस ऑफ मोमेंट्स होता है ना फोल्ट का फोल्ट का जो मूवमेंट्स होता है जिससे अलग अलग फोल्ड के टाइप्स बनते हैं तो वो मोवमेंट्स ओवरऑल हॉरिजोंटल एक्सटेंशन होगा विच आर परपेंटिकुलर टू द फोल्ड स्ट्राइक फॉर दिस रीजन नॉर्मल फोल्ड ऑल्सो डिस्क्राइब एज एक्सटेंशन मैंने कल बताया था कि एक्सटेंशन है वो नॉर्मल फोल्ट में होता है और रिवर्स फोल्ड में क्या होता है कंप्रेशन दी हैंगिंग वॉल ऑफ मेजर नॉर्मल फोल्ट शो नेगली शो नेबरहुड विथ सब्सिडरी नॉर्मल फोल्ट आइदर डीपिंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन अभी क्या कहा है आप यहाँ पे जो हैंगिंग वॉल है मेजर नॉर्मल फोल्ड्स में वो एक नेबरहुड रिलेशनशिप बताते हैं नेबरहुड रिलेशनशिप बताते हैं विद द सब्सिडरी नॉर्मल फोल्ड आइदर डीपिंग सेम डायरेक्शन और द डिफरेंट डायरेक्शन ओके तो या फिर सेम डायरेक्शन में हो सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है उनका डीपिंग अभी ये ग्रेबन तो अभी ग्रेबिन क्या है दी ब्लॉक विच गोस डाउन बिटवीन द टू अपोजिट डीपिंग नॉर्मल फोल्ड एंड फॉर्म ग्रेबन और फोल्ड थ्रो पे क्या होता है टू ब्लॉक्स होते हैं ठीक है थेके? वो टू ब्लॉक्स के बीच में एक ब्लॉक होता है जो नीचे की तरफ डीप कर रहा होता है उस अपोजिट साइड्स पे तो उसको हम कहेंगे ग्रेबन ब्लॉक गोज डाउन विद रिस्पेक्ट टू टू ब्लॉक ऑफ आइदर साइड कोल्ड ग्रेबन फोल्ड दो फोल्ड हो गया आइदर साइड पे ठीक है दो ब्लॉक होंगे किसके नॉर्मल फोल्ड के उसके बीच में एक सेंट्रल ब्लॉक होगा विच इज गोज डाउन और उससे ग्रेबन फोल्ड फॉर्म होगा ओके और लीनियर अपलिफ्टेड ब्लॉक बिटवीन नॉर्मल फोल्ड कंस्टिट्यूट होस्ट अब एक लीनियर अपलिफ्टेड ब्लॉक होगा ठीक है उसमें सेंट्रल वगैरह लेके साइड में ग्रेबन होगा ना उसके राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे तो वो होगा हॉस्ट क्योंकि वो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है देखिए ये डायग्राम में दिखाया है सेंट्रल में देखिए ग्रेबन ग्रेबन के आस पास दो ब्लॉक्स हैं तो दोनों के बीच में ग्रेबन डाउन साइड हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है और ग्रेबन के राइट साइड पर हॉस्ट दिख रहा है आपको वो अपलिफ्टेड ब्लॉक है देखिए अपलिफ्टेड ब्लॉक एंड देन दिस इज ऑल्सो सेकेंड डाइग्राम सेम डायग्राम है दोनों आप आपको भी बना सकते हैं दोनों राइट है तो एक नीचे की तरफ जा रहा है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में तो नीचे की साइड जा रहा है वो एक ग्रेबेन और एक अपलिफ्टेड है वो है हॉस्ट फिर देखिए दूसरा ग्रेबेन जैसे सीरीज हो गया ना फोल्ड की लंबी तो उतने उतने ग्रेबेन बढ़ते जाएंगे हॉस्ट बढ़ते जाएंगे ग्रेबेन में आल्सो बिकॉज ऑफ डाउन थ्रो ऑन अ सिंगल फोल्ड और अ सिंगल सेट ऑफ फोल्ड सच फॉर्मेशन नॉन एज अ हाफ ग्रेबन अभी जरूरी नहीं है कि दोनों साइड पर ब्लॉक हो तभी ग्रेबन फॉर्म होगा अभी एक ही साइड पे ब्लॉक है ठीक है दूसरी साइड पे नहीं है फिर भी वो एक ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो वो भी ग्रेबन फॉर्म करेगा लेकिन वो हाफ ग्रेबन होगा फुल ग्रेबन के लिए टू ब्लॉक चाहिए दोनों साइड में और सेंट्रल में ब्लॉक गोस डाउन लेकिन अगर एक ब्लॉक डाउन हो रहा है तो उसकी किसी एक साइड पे अगर एक दूसरा ब्लॉक है तो वो क्या होगा हाफ ग्रेबन बन जाएगा सी ये राइट साइड का जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो हाफ ग्रेबन बन गया और हाफ ग्रेबन ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन इन ग्रेबन एंड हाफ ग्रेबन ऑल्सो देर सीन इन मैनी एरियाज अभी जो हाफ ग्रेबन है और ग्रेबन है उसमें बहुत सारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है ओके नो डिसप्लेसमेंट सीन इन दी हाफ ग्रेबन बट बोथ ग्रेबन गिवस बेसिन अभी जो फुल ग्रेबन होता है उसमें डिसप्लेसमेंट दिखती है क्योंकि हमको साफ साफ दिखाई देता है कि ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है और उसके आइदर साइड पर जो टू होते हैं वो ऊपर है तो डिसप्लेसमेंट हो गई लेकिन हाफ ग्रेबन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखती है लेकिन फिर भी दोनों ग्रेबन हैं वो जो बेसिन फॉर्म करते हैं सो so, दोनों ग्रेबन से हमें बेसिन मिलेंगे सडन कंटिन्यूटी इन टर्मिनेशन ऑफ आउटक्रॉप आर ब्रेक एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है तो एक सडन टर्मिनेशन है कि चलो चलो ये एक फोल्ड बन गया उसके ही लाइन में दूसरा फोल्ड उसके ही लाइन में तीसरा फोल्ड और सडनली एक ब्रेक आ गया तो क्या होगा ब्लॉक गोस डाउन या फिर अप तो वो क्या हो गया ब्रेक हो गया और डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस दी लार्ज मॉडर्न ग्रेबेन इन रेना ग्रेबेन लार्ज मॉडर्न जो ग्रेबेन है वो है रेना ग्रेबेन द ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली अलोंग अ स्ट्राइक ऑफ लेक फ्रॉम एल्बर्ट टू लेक नाइसा एंड द ग्रेबन सिस्टम ऑफ रेड सी आर एसोसिएटेड विथ वॉल्केजम एंड दे हैव अ कॉम्प्लेक्स टेक्टोथर्मल हिस्ट्री अभी ये कहाँ की बात की है ईस्टर्न अफ्रीका की बात की है जहाँ पे एक रिफ्ट वैली है अलोंग अलॉन्ग स्ट्राइक ऑफ द लेक फ्रॉम एल्बर्ट लेक नाइसा तो उसमें जो ग्रेबन सिस्टम है उसमें एक रेड सी करके है वहाँ पे ग्रेबन सिस्टम है डेज ग्रेबन सिस्टम आर एसोसिएटेड विद वॉल्केकैनिज़म ठीक है वो एसोसिएट करता है वॉलैनिजम के साथ दे हैव कॉम्प्लेक्स टेक्टोथर्मल हिस्ट्री और उसकी एक बहुत बड़ी टेक्टोथर्मल हिस्ट्री है पहले की जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई उसके हिसाब से अभी हम नॉर्मल फोल्ड फोल्ट में हमने ग्रेबन पढ़ा हाफ ग्रेबन पढ़ा अब हम नॉर्मल फोल्ड में दूसरे दो टाइप्स पढ़ेंगे सिंथेटिक एंड एंथी एंटीथेटिक दी हैंगिंग वॉल ऑफ मेजर नॉर्मल फोल्ट शो नेबरहहुड विथ सब्सिडरी नॉर्मल फोल्ट यह हमने पहले भी देखा अभी आइदर डीपिंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड सिंथेटिक और एंटीथेटिक फोल्ट हैंगिंग वॉल है ठीक है नॉर्मल फोल्ट में जितने भी नॉर्मल फोल्ट है उसमें हैंगिंग वॉल होता है दैज हेंगिंग वॉल शो नेबरहुड रिलेशनशिप विथ दी सब्सिडरी नॉर्मल फोल्ट आइधर डीपिंग सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन या तो वो सेम डायरेक्शन में डीप कर रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में और जब ये वूमेंस होगा तो क्या होगा सिंथेटिक या एंटीथेटिक फॉर्म होगा एंटीथेटिक फोल्ट फॉर्म होगा अभी हमको वो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है तो फिर कि सिंथेटिक क्या, क्या है और एंटीथेटिक क्या है चलिए देखते हैं सिंथेटिक फोल्ट पैरेलल टू द मेन फोल्ट एंड एंटीथेटिक फोल्ट अपोजिट टू द मेन फोल्ड अभी सिंथेटिक क्या होगा वो पैरेलल होगा मेन फोल्ड को और एंटीथेटिक पैरेलल नहीं होगा वो अपोजिट होगा सिंथेटिक फोल्ड आल्सो कॉल्ड स्टेप फोल्ड स्टेप की तरह दिखता है देखिए ये सिंथेटिक फोल्ड है लेफ्ट साइड पे स्टेप बाय स्टेप एंटीथेटिक में थोड़ा कर्वेचर ज़्यादा है एंटीथेटिक फोल्ड एसोसिएटेड विद द ग्रेबन फोल्ड हाफ ग्रेबन फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंथेटिक फोल्ड अब ये जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड पे सिंथेटिक फोल्ड का तो सिंथेटिक फोल्ड की वजह से ही हाफ ग्रेबन फॉर्म होता है सिंथेटिक फोल्ड में जब डिस्प्लेसमेंट होगा सो उसकी वजह से हाफ ग्रेबन फॉर्म होता है ये दूसरा डायग्राम है एंटीथेटिक और सिंथेटिक का नॉर्मल फोल्ट इन दिस सॉफ्ट मटेरियल कैन बी इजीली प्रोड्यूस अभी नॉर्मल फोल्ट में क्या होता है सॉफ्ट मटीरियल इजीली प्रोड्यूस हो जाता है इन द लेबोरेटरी नॉर्मल फोल्ट में भी आइदर प्लेनर और लिस्ट्रिक्ट और वो प्लेनर भी हो सकता है और लिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है लिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कर्व होता है है ना प्लेन नहीं होता वो कर्व होता है डोमिनो ब्लॉक अभी नॉर्मल फोल्ड में ही अगला हम देखेंगे डोमिनो ब्लॉक सो टिल्टेड फोल्ड ब्लॉक सेपरेटेड बाय सब पैरेलल प्लेनर फोल्ड अगर इन मेनी एरियाज टिल्टेड ब्लॉक्स होता है समझे वो बुक रखी होती ना अभी सात आठ बुक हम बुक शेल्फ में रखते तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऐसा दिखता है इट हैज बीन सजेस्टेड टिल्टेड फोल्ड ब्लॉक फॉर्म ड्यूरिंग क्रस्टल एक्सटेंशन क्रस्टल एक्सट्रक्शन जब होता है उसकी वजह से डोमिनो ब्लॉक फॉर्म होता है बाय प्रोसेस ऑफ साइमटेनियस tilting और स्लाइडिंग ऑफ द रो ऑफ डोमिनोज और रो ऑफ बुक इज बुक शेल्फ देखिए दिस मॉडल ऑफ द फॉल्टिंग नॉन एज अ डोमिनो ये देखिए डायग्राम बुक रखते एक के पीछे एक के पीछे एक, उपीछे, एक उपीछे, बुक शेल्फ में तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये वैसा स्ट्रक्चर है तो वो हो जाएगा डोमिनो ब्लॉक डोम की तरह डोमिनो ब्लॉक डोमिनो स्टाइल फोल्टिंग एसोसिएटेड विद दी नॉर्मल फोल्ड, इट्स लुक लाइक अ बुक इन अ बुक शेल्फ राइट सो इन अ स्लम्पिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो लुक लाइक डोमिनो अभी स्लम्पिंग स्ट्रक्चर है ना वो भी सेम दिखता है डोमिनो की तरह दिखता है तो स्लंपिंग स्ट्रक्चर वो आता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आता है वो भी वो कैसा दिखता है डोमिनो की तरह ही दिखता है अभी ग्रोथ फोल्ट ग्रोथ फोल्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंस सेडिमेंट्री फोल्ट विच डेवलप्ड बाई दी कॉलेप्स ऑफ रैपिडली डिपोजिट पाइल ऑफ सेडिमेंट्स स्पेशली मॉड अभी एक मॉड है ठीक है मॉड की बहुत सारे सेडिमेंट्स बने हुए हैं तो वो क्या होगा रैपिडली कॉलेप्स हो गए एक दूसरे के साथ और जिसकी वजह से सिम सेडिमेंट्री फॉल्ट बनेगा दैर फोल्ड टिपिकली डेवलप्ड इन डिपोजिट ऑफ लार्ज डेल्टास अब ये फोल्ड ना टिपिकली लार्ज डेल्टास में डिपोजिट होते हैं वेर हाई प्रपोर्शन ऑफ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स आर सीन और वहाँ पे जो सेडिमेंट्स होता है उसका प्रपोर्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और वो सारे सेडिमेंट्स मेनली फाइन ग्रेन होते हैं सो फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा होगा और वो डिपोजिट कहाँ होंगे लार्ज डेल्टाज में कौन ग्रोथ फोल्ड फोल्डिंग टेक प्लेस इन नॉर्मल फोल्ड देन दिन सेडिमेंट्री फोल्ट आर जनरेटेड अभी नॉर्मल फोल्ड में फोल्ड हो फोल्टिंग होगी ठीक है और उसके बाद सिंह सेडिमेंट्री फोल्ट जनरेट होगा मगर वो कैसा होगा रैपिड डिपोजिशन की वजह से होगा दे गिव ग्रेबन लाइक स्ट्रक्चर ये सिंह सेडिमेंट्री फोल्ट है ना ये ग्रेबन का ही मतलब ग्रेबन सिंह सेडिमेंट्री फोल्ट का ही एक टाइप है ठीक है सो अ ग्रेबन फोल्ट इज अ टाइप ऑफ सीन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर सेकेंड है रिवर्स फोल्ड सो रिवर्स फोल्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी आप मेरे वीडियो को लाइक करिए आपको समझ में आया है टर्म्स तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसे लगी है समझ में आया है नहीं आया है तो मुझे पता चले ठीक है थैंक यू वेरी मच